और इन लोगों का है सावरकर जी जो माफी मांगते मांगते थक गए, शर्म मगर इन लोगों को नहीं आती। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं आजादी की लड़ाई में तुम लोगों का क्या हिस्सा है, क्यों नहीं बोलते हो? चलिए ठीक है, हमारे वीर वल्लभ भाई पटेल का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। सुभाष चंद्र बोस का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। तुम्हारे पास तो कोई है नहीं तलवार चाटने के सिवा महोदय। इसलिए महोदय हाल ही में महोदय इन लोगों ने, इनके प्रधानमंत्री जो लफाजी के बल पर कुछ वक्त के लिए देश को गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं और ये पार्लियामेंट में छाती ठोक रहे थे, एक अकेला छाती ठोक रहे थे और कोई नहीं है महोदय इसके पीछे। इनके पास सिर्फ मुसलमान के खिलाफ बोलने के सिवा कुछ नहीं है और मुसलमान के खिलाफ बोलने का प्रतीक बना दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है महोदय? हमारा मैं घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान एक बेहतर मुल्क है, हिंदुस्तान एक बेहतर मुल्क है। हम जैसे लोग यकीनन वैसी जगह में सांस नहीं ले सकते थे महोदय। महोदय अजीमुल्ला खान ने कहा